स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत दो सब मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उद्देश्य, 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ODF अर्थात ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संधारणीय आदतों को अपनाने के लिए समुदायों को प्रेरित करना। ODF लक्ष्य को पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और संधारणीय सैनिटेशन के लिए लागत प्रभावी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना, स्वच्छता में सुधार करके हाशिए पर रहे समुदायों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। राज्यों को ज्यादा जिम्मेदारियां प्रदान करना है क्योंकि स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। ग्रीन टास्क फोर्स अर्थात स्वच्छाग्राहियों की सेना तैयार करना है। संधारणीय प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है। एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण। प्रथम चरण के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा इसके द्वितीय चरण की घोषणा की गई। इस चरण में मुख्यतः दो बातों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, यथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस, ODF की लगातार उपयोगिता पर फोकस। स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 16 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय तैयार किए गए हैं। सरकार एक परिवार में सदस्यों की संख्या 5 मानती है, इस हिसाब से लगभग 84 करोड़ लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, देश के सभी वैधानिक नगरों में नगरपालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना, मानव द्वारा मैला ढुलाई का उन्मूलन करना, स्वच्छता और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना, हेल्थ सैनिटेशन आदतों के बारे में व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के घटक 1 घरेलू शौचालय, 2 सामुदायिक शौचालय, 3 सार्वजनिक शौचालय, 4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 5 नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन, 6 सार्वजनिक जागरूकता, 7 क्षमता निर्माण और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ निर्देशांक। 1 ODF इस प्रोटोकॉल का अर्थ है खुले में शौच से मुक्त। 2 ODF प्लस इस प्रोटोकॉल का अर्थ है सार्वजनिक शौचालयों का रख रखाव। 3 ODF प्लस प्लस इस प्रोटोकॉल का अर्थ है सीवेज और शौचालय स्ल का उचित प्रबंधन। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है।
हर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा, आज सच बने भारत अपना बापू से ही है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, स्वच्छता शपथ। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत मां की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका यह कारण है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।